हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउस वायरिंग के साथ इन्वर्टर कनेक्शन करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर का कनेक्शन, डिपार्टमेंट के लोग आकर एनर्जी मीटर तक कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद एनर्जी मीटर के बाद हम अपने घर में कनेक्शन स्वयं करते हैं, खुद से करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हम DPMCB लगाते हैं, जो डबल पोल हुआ, उसके बाद RCB लगाते हैं। सबसे पहले हम DP में कनेक्शन करते हैं, उसके बाद RCB का कनेक्शन करते हैं। ये हमारा RCB का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम MCB, सिंगल पोल MCB का कनेक्शन करते हैं। सिंगल पोल MCB के साथ इन्वर्टर को भी कनेक्शन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 सिंगल पोल MCB सप्लाई के लिए लिए हैं, 1 इन्वर्टर के लिए सिंगल पोल MCB लिए हैं। सिंगल पोल MCB में केवल फेज का कनेक्शन होता है और न्यूट्रल कॉमन रहता है, जो न्यूट्रल बार में कनेक्शन कर दिया गया है। न्यूट्रल सभी का कॉमन रहता है सभी, और फेज कनेक्शन केवल डिफरेंट अलग अलग सबका MCB द्वारा रहता है।